ओ, ये देखना। ओके, ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। हेलो, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम वहां जाकर क्यों बैठ गए? मुझे मैच देखना है। जब हम अमीर होंगे तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी, हम जो चाहे देख सकते हैं। टीवी देख लिया, अब सोते हैं, चलो बैठो। सोने से पहले क्या करती हो? बुक पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ। ये लो बुक, पढ़ो और सो जाओ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पढ़ रही हो ना, मुझे सोते वक्त बिल्कुल रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ सोऊंगा। रिच लाइफ का यही तो फायदा है, हम अलग अलग बेडरूम्स में सो सकते हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, कॉम्प्रोमाइज क्यों करना। गुड नाइट। चलो, अब कहाँ चलना है? तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तो। ए बाबू, ये तुम मुझे कहाँ लेकर? चलो नीचे उतरो, ये हमारा घर है। आओ। माँ, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो, ये तुम्हारी बहू है? हाय, टूट। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बैठो। सुनिए जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो सच में चांद का टुकड़ा है। घर में सब कैसे हैं बेटा? हाँ जी, सब ठीक है। बेटा, कौन बनेगा मेरा पति प्रोग्राम देखती हो ना? नहीं, मैं मूवीज देखती हूँ, टीवी शोज देखना अच्छा नहीं। ऐसा क्या? तो हम भी वही देखेंगे। नहीं ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। अरे ऐसे कैसे, हम तुम्हारी पसंद देखेंगे, परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का अलग ही मजा है। रुको, बेटा तुम लोगों ने बाहर तो कुछ नहीं खाया? सुबह से भूखे घूम रहे। ओहो, 3 बज गए हैं, तुमने अब तक कुछ नहीं खाया? जरा रुको, मैं खाना लगाती हूँ। अरे बस बस। बेटा, फिश करी बनाई है, पसंद है ना? पसंद तो है, पर मुझे कांटा निकालना नहीं आता। दोनों एक जैसे हैं, इसे भी कांटा निकालना नहीं आता। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के कांटे निकालते रहना। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। नहीं आंटी, मैं निकाल लूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मुंह खोलो। थैंक्स आंटी। बेटा, थैंक यू। अंकल, आंटी, ये शब्द मेरे कान पर नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है पापा जी। बेटा, I am proud of you. लेकिन क्यों? तुम्हें मनाने के लिए इसे 2 महीने दिए थे, 15 दिन में काम कर दिया। वाह बेटा। ए, कांटे ठीक से निकालना। हाँ ठीक है। बहू आ गए तो बेटा भूल गई। तू तो मेरा राजा बेटा है। ले। खाना बहुत टेस्टी है माँ। तो और खा, ले। सुन पासा, सीधी नजर उतार रही है या उल्टी? हाँ मुझे पता है, इस पर थूको। ये हमारा कमरा है। ए, दरवाजा बंद मत करो। क्यों, क्या हुआ? हमारी शादी नहीं हुई, सब गलत सोचेंगे। ऐसा क्या? जरा जोर से बोलो। घर का टोटल एरिया 700 स्क्वायर फीट होगा। ऐसा क्यों? बड़ा घर लेने की औकात नहीं है ना। वो नहीं कह रही, जोर से क्यों बोलूं? क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है तो दरवाजा खुला छोड़कर जोर से बात करनी चाहिए, वरना बाहर वाले सोचेंगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, एक बाथरूम पीछे की तरफ भी है। वैसे कमरा बहुत अच्छा है। बस स्टॉप यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठना बहुत अच्छा लगता है। खुश होना। पहले जो शोरूम तुमने देखा वो मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ है। सब पैसों के पीछे भागते हैं, पर पैसों के पीछे पागल हो जाओ तो माँ बाप से बात करने के लिए भी टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। ये है असली लाइफ। अब भी चाहती हो कि डायमंड रिंग देकर तुम्हें प्रपोज करूं? अगर हाँ तो वैसा ही करूंगा, फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही रहेंगे। भाई, बाय।
कीर्ति से मैं बात कर लूंगा सिद्धू, तुम शादी की तैयारियां तो शुरू कर दो। ठीक है अंकल, मैं कीर्ति से मिलकर जाऊंगा। कीर्ति, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, शादी की बात हो रही थी। मुहूर्त 26 तारीख का निकला है, तुम्हारी तरफ से तुम जिनको भी बुलाना चाहती हो उनकी एक लिस्ट बना के मुझे दे दो, ज्यादा टाइम नहीं है बेटा। अभी हम शादी के कार्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। सिद्धू, अगर हम कीर्ति को शादी की तैयारियों में ऐसे ही उलझाए रखेंगे तो उसे बाबू के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। लेटेस्ट डिजाइन है सर, बहुत सुंदर। प्राइस? ये एक कार्ड आपको पड़ेगा 500 रुपीज में। बाबू की पॉकेट मनी इस कार्ड के प्राइस से भी कम होगी, और मेरी बेटी से शादी के सपने। अच्छा है ना बेटा? बुटकी ने यहां क्यों बुलाया? कीजिए ना थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, आपका थोड़ा सा और। जय माता दी, किसी की नजर ना लगे। आप और ये खड़ूस कैसे? लगता है हमें तुम्हारी मम्मी का फुल सपोर्ट है। जो चीज मेरे पापा को पसंद नहीं आती वो मम्मी को ऑटोमेटिकली पसंद आती है। बात ये है, मम्मी को मेरी तरफ से लव यू कह देना। मम्मी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे सिद्धू के बारे में कुछ बताना है। देखो ये वो मैसेजेस और वीडियोस हैं जो सिद्धू ने मुझे भेजे हैं हनीमून के लिए। हाय कीर्ति, इफ आई एम नॉट बगिंग यू, बताऊं हनीमून के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है? आई थिंक वेनिस इज द बेस्ट प्लेस, इसीलिए दो टिकट्स बुक किए मैंने। 7-स्टार विला में रहेंगे जिसमें प्राइवेट पूल। सिद्धू जोरों से शादी की तैयारियां कर रहा है, ये तक फैसला कर चुका है कि हम हनीमून पर कहां जाएंगे, और तुम होगी अभी तक पापा को कन्विंस करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अभी भी एक हफ्ते का वक्त है, मुझे वो खास पल मिल जाएगा। सिद्धू के परिवार वाले कल मेरे घर पर शादी का कार्ड एक्सचेंज करने आ रहे हैं, तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और इंतजार करते रहना। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी के कार्ड दीजिए जजमान। सर्दी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह बल्ली करो जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ सब लोग यहीं तो हैं। समधी जी, ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? शादी 26 को होगी, तय हो गया ना। एक फैमिली को कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस डैडी? सत्यनारायण समधी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, पत्रिका की लेन देन कर लें। कार्ड एक्सचेंज की कर लेते हैं। कीर्ति की शादी का कार्ड है, खाना खाने जरूर आना। पापा, मेरे बेटे की भी शादी है, आपको गिफ्ट लेके आना है। अगर तुम नहीं आए तो भी मुझे चलेगा। एक्चुअली मत ही आना। अब क्या खाना खा के जाओगी? चलो ना, होने वाली बहू से बात तो करने दो। तू कुछ बोलेगा? ये लोग आपस में बात करने वाले हैं, हम भी बैठकर सुनते हैं ना। बात में दम है। चलो आसन ग्रहण कर, जगह बनाओ। लेफ्ट हैंड राइट में, सेंटर में। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? बैठिए ना, शुरू करें। चलो जाओ। हाँ तो बेटी, अब तुम क्या पढ़ रही हो? दिन में MBA की किताबें पढ़ती है और रात को मेरे भेजे SMS पढ़ती है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बताओ, शादी के बाद खाऊ गली में तुम्हारे नाम का ठेला डालेंगे। हो गया तेरा, तेरे जमाने के सवाल पूछेगी तो लोग हंसेंगे। मैं मेरे जमाने के सवाल पूछता हूँ, देखना भी गाने में गला कैसा है।
हाँ, इनका खुद का ऑर्केस्ट्रा है, कोरस सिंगर की जरूरत है। जजमान, एक छोटा सा संदेह। हाँ पंडित जी। आप दोनों में से कोई एक कृति से शादी करेगा ये तो समझ में आया, तो दूसरा क्या शादी में शहनाई बजाएगा? ये तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। बेटा, मैं जवाब दूं? बता दो कीर्ति और मेरी शादी के बाद तू क्या करने वाला है? सब काम मुझसे करवाते हैं हे भगवान। ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है, इस गाने की फरमाइश की है सिद्धार्थ वर्मा ने। जा, गाड़ी पार्क कर गया। वैले पार्किंग सिर्फ चार पहियों के लिए होती है, दो पहियों के लिए नहीं सर। दो पहिये मेरे ले ले, अब हो गई ना फोर व्हीलर। अंदर चले पापा। 2+2 का हिसाब आ गया इसको। दन टडन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे थे तब मेरे बेटे को जोर से सुसू आई, तो मैंने कहा शोरूम पास में ही है, साड़ी के शोरूम में कोई शौचालय ढूंढने आता है क्या? बेटा पापा। शादी की शॉपिंग सर? बेटी की शादी की। जमाई कहाँ है? ये रहा, इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। क्या बात है, सब इंस्पेक्टर आपका जमाई है? कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं मम्मी, ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है, अपने होने वाले पति से पूछ। यही तो है, पूछ लीजिए। बेटा तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ओके है मम्मी जी। ओके है? आपका जमाई कौन है? ये है। और वो कौन है? मैं उस लड़के को नहीं जानती। बहुत कंफ्यूजन है सर, आपका जमाई कौन है? बताया तो, ये मेरा जमाई है। और ये वाला? मैं इस लड़के को नहीं जानता। आप दोनों का रिलेशन? पति पत्नी। नहीं, ये और ये प्रोडक्ट? हमारी बेटी। और जमाई? ये रहा। सासू माँ, पाव कहाँ आप गए? एक पे एक फ्री का ऑफर सुना तो था, आज देख भी लिया। वेलकम टू कला मंदिर। अरे इन्हें कोई अच्छा सा जमाई दिखा, मतलब साड़ी दिखाओ। कंग्रेचुलेशन सर। किस लिए? शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए हम रोज एक लकी जोड़े को चुनते हैं और कला मंदिर की तरफ से उसे एक हनीमून पैकेज देते हैं। और आज ये प्राइज आपकी बेटी को मिला है। ये तो दुल्हन की टिकट हुई, दूल्हे की कहाँ है? वो तो दूल्हा पहले ही ले गया।